which constituents are arranged in a definite pattern is called crystalline solid, while the solid which constituents are not arranged in definite pattern, यानी जिनके अरेंजमेंट का कोई एक खास पैटर्न नहीं हो उसे एमॉर्फस कहते हैं, और जहां एक खास पैटर्न हो उसे हम लोग क्रिस्टलाइन कहते हैं। यानी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें देख रहे हैं तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो यहां पर ये कोई पैटर्न नहीं है। तो जहां कोई पैटर्न नहीं हो वो एमॉर्फस, और जहां पैटर्न हो उसे हम लोग क्रिस्टलाइन कहें। आज हम लोग सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखोगे तो सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, और कोरोना के पहले 2020 के पहले ये सीबीएसई में भी था, लेकिन कोरोना के बाद में जो फिर सिलेबस चेंज किया तो उसके बाद में फिर हटाता चला गया। यानी कि सीबीएसई में ये सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री के जो दो चैप्टर हैं इन्हें रिमूव कर दिया है। यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट थोड़ा सा एक्सटेंशन है स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो क्लास 11 के सिलेबस में था, वो भी सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे कैसे। ये चैप्टर पूरी तरह से कंसेप्चुअल है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो न्यूमेरिकल्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग का जो पोर्शन दिया हुआ है वो थ्योरेटिकल है। यानी कि जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल तक, इस जगह तक का अगर हम लोग बात करेंगे, ये लगेगा कि थ्योरी जैसा है, थ्योरेटिकल पार्ट है। और जितना थ्योरेटिकल पार्ट है स्टार्टिंग का, वो कोशिश करेंगे हम लोग की दो क्लास में कंप्लीट कर लें। ठीक, जो आपके काम का है उसको डिक्टेट करेंगे, वो लिखवाएंगे। आप में से कुछ लोग जो ऑनलाइन दिखेंगे तो वो अगर मान लें कि क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको टॉपिक को हटाएंगे नहीं, वो डिक्टेट करेंगे, वो पोर्शन रहेगा, तो आप घर में भी उसको लिख सकते हो, लेकिन जो लिखने वाला है उसको आप लिखोगे। समझाने वाला पार्ट आपका एकदम बिल्कुल 8th-9th स्टैंडर्ड से लेकर के चलेंगे, तो उनका जो समझा देंगे यहाँ पर, लेकिन लिखवाने का जरूरत नहीं है, तो उस वाले पार्ट को नहीं लिखवाएंगे। जो प्लस टू लेवल में इंपॉर्टेंट है आपके लिए लिखने वाला पार्ट, उसी को हम लोग लिख करके चलेंगे। इसके बाद यहाँ से बहुत सारे डिराइवेशन भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन भी आएगा इस वाले पोर्शन में। ये इतना कुछ सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट में आ करके सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में बात करते हैं। बोर्ड पर देखो, जो जरूरत करेगा वो हम लिखवाएंगे। मैटर नीचे क्लास में, जब 6th-7th क्लास में साइंस स्टार्ट हुआ होगा, तो वहीं बताया गया होगा आपको मैटर के बारे में, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इसी मैटर के दो मेन टाइप्स और फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म हो गया सॉलिड, इसे फॉर्म या स्टेट कहते हैं, और दूसरा हो गया फ्लूइड। सॉलिड यानी जो रिजिड है, जो फ्लो नहीं करता है, जिनके कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनके बीच में स्ट्रांग इंटरमॉलिकुलर फोर्स लग रहा होता है, जिनके बीच का इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, उन्हें सॉलिड कहा जाता है। नीचे क्लासेस में बचपन में आप याद किए होंगे, सॉलिड इज द फॉर्म और स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। जिनका शेप भी डिफिनिट हो और जिनका वॉल्यूम भी डिफिनिट हो, उसे हम लोग सॉलिड कहते हैं। एक नया आ रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि वहाँ तो लिक्विड और गैस पड़े थे, यहाँ ये फ्लूइड लिखे हैं। फ्लूइड कहने का मतलब किसी भी मैटर का वो फॉर्म जो फ्लो करता है, यानी कि जो बहता है। और इस फ्लूइड को फिर दो पार्ट में बांटा गया है, एक को कहा गया लिक्विड और दूसरे को कहा गया गैस। और इसी को हम लोग तीनों को मिला देते हैं तो बताते हैं कि मैटर के तीन फॉर्म हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक्चुअली मेन दो था, एक सॉलिड था और दूसरा फ्लूइड, और फिर फ्लूइड के दो टाइप हो गए, एक दो फॉर्म हो गए, एक लिक्विड और दूसरा गैस। क्लियर है यहाँ तक? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में याद करो, आप पढ़े होंगे कि सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड होते, इस तरीके से एकदम सटे हुए रहते हैं। इस फॉर्म और स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड कहा जाता है। लिक्विड के केस में इनके कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में सम गैप्स होते हैं, यहाँ पर ये कुछ गैप्स है। और वहीं गैस को अगर हम लोग देखें, इट हैज लार्ज इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? लिक्विड को।
और यहीं से हम लोग तीनों का प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकते हैं। सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट चूंकि ऑलरेडी कॉम्पैक्ट फॉर्म में हैं, एक दूसरे से नज़दीकली जुड़े हुए हैं, तो उसके आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। जैसे ये 6 फीट का बेंच है, इस पे 4 बच्चे आराम से बैठते हैं, जरूरत पड़ा तो 5 बैठ गए, एक और कोई दोस्त वगैरह आ गया तो किसी तरीके से एडजस्ट करके 6 बैठ गया, लेकिन अब 6 के बाद में 7वां नहीं बैठाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल पैक्ड हो गया, रिजिड हो गया। तो ये नॉन कंप्रेसिबल नेचर का होता है। लिक्विड में थोड़ा स्पेस है तो इनको हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि गैस में ज़्यादा स्पेस है, इसलिए किस नेचर का होता है, हाईली कंप्रेसिबल नेचर। तो आगे जो हम लोग को सॉलिड को डिफाइन करना है, तो सॉलिड का डिफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। जैसे पहला पॉइंट क्या आ गया, सॉलिड हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, यानी लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में इसमें लगने वाला फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इसके कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड हैं। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस मिनिमम होता है, यानी कि 2 कंस्टिट्यूएंट के बीच में डिस्टेंस ना के बराबर में है। तीसरा पॉइंट, सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए नॉन कंप्रेसिबल नेचर का है, इनकंप्रेसिबल नेचर का है, जबकि लिक्विड और गैस में कंप्रेसिबिलिटी होता है। और फ्लूइड के कंस्टिट्यूएंट फ्लो करते हैं या मूव करते हैं, इनमें ब्राउनियन मूवमेंट पाया जाता है, लेकिन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट मूव नहीं करते, ये सिर्फ अपने मीन पोजिशन पर वाइब्रेट करते हैं और ऑसिलेट करते हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। तो आप क्या लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, और जो कुछ पॉइंट्स लिखवा रहे हैं वो आप लिखोगे। हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन, ए सॉलिड इज द फॉर्म और स्टेट ऑफ मैटर, ए सॉलिड इज द फॉर्म और स्टेट ऑफ मैटर which has definite shape, which has definite shape and a definite volume, which has definite shape and definite volume. याद आ रहा है, बिल्कुल बचपन वाला डिफिनेशन लिखवाए हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप बता सकते हो सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये सब 4, 5, 6 क्लास का बच्चा जानता है। बुक हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, बेंच हो गया, स्टोन हो गया, दिज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। तो एक दो आप लिख लीजिए उसी में। नाउ राइट डाउन द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिखवाएं, लिखो। इट हैज अ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर, इट हैज अ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट हैज अ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकेंड पॉइंट, it has minimum intermolecular distances, यानी 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, 2 मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस को इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो चूंकि फोर्स स्ट्रांग है, कंस्टिट्यूएंट क्लोजली पैक्ड है, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, it is non compressible in nature. नेक्स्ट पॉइंट, its constituents cannot move. They can only oscillate
दे कैन ओनली ऑसिलेट और वाइब्रेट, दे कैन ओनली ऑसिलेट और वाइब्रेट, ऑसिलेट और वाइब्रेट, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड हुआ। यानी यहाँ 11, 12 का कुछ नया बात नहीं है, ये वही सारे पॉइंट्स थे जो अंडर 10th क्लास तक में आप जानते हैं, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर ये आपके लिए नया आया, टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन अकाउंट ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट। यहाँ थोड़ा सा पहले समझ लो, उसके बाद में फिर लिखना। यहाँ पर किसी भी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, और उसके अनुसार से इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहा गया क्रिस्टलाइन और दूसरे को कहा गया है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों को समझाने के लिए यहाँ बोर्ड पर हम डायग्राम बनाए हैं, सुन लो पहले, उसके बाद में तुम ही खुद बता दोगे इसमें से एक डायग्राम क्रिस्टलाइन का है दूसरा एमॉर्फस का है। क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं द सॉलिड Which constituents are arranged in a definite pattern, which constituents are arranged in a definite pattern is called crystalline solid. While the solid which constituents are not arranged in definite pattern, यानी जिनके arrangement का कोई एक खास pattern नहीं हो उसे amorphous कहते हैं, और जहाँ एक खास pattern हो उसे हम लोग crystalline कहते हैं। अब दो diagram बना हुआ है, ये first और ये second, आप दोनों को देख करके बताओ तो एक डिफिनिट पैटर्न फर्स्ट वाले में नजर आ रहा है या सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में एक कंस्टिट्यूएंट दिख रहा है कि व्हाइट है, ग्रीन है, व्हाइट है, ग्रीन है, यानी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें देख रहे हैं तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यहां व्हाइट है, ग्रीन है, फिर व्हाइट व्हाइट हो गया, यहां ग्रीन है, व्हाइट है, ग्रीन है, व्हाइट है, लगा कि पैटर्न डेवलप किया, लेकिन दूसरे लाइन में आकर के फिर यह गड़बड़ा गया। तो यहां पर यह कोई पैटर्न नहीं है, तो जहां कोई पैटर्न नहीं हो वो एमॉर्फस, और जहां पैटर्न हो उसे हम लोग क्रिस्टलाइन कहेंगे। तो अब आप बताओ तो फर्स्ट और सेकंड में कौन क्रिस्टलाइन है? तो यानी कि ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, ये क्रिस्टलाइन का हो गया, और ये किसका हो गया? एमॉर्फस का, ये हो गया एमॉर्फस का। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का दिमाग में डिफिनेशन आ गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्रिस्टलाइन में होता क्या है, तो चूंकि कंस्टिट्यूएंट क्रिस्टलाइन में एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज हैं, तो इसलिए अगर इन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं और टेम्परेचर के साथ में उसको ऑब्जर्व करते हैं। 50 है, 60 है, 70 है, 100 है, 150 है, अभी भी देख रहे हैं ट्यूब के अंदर में, बिल्कुल वो सॉलिड स्टेट में ही है। कैपिलरी ट्यूब के अंदर में इसे हीट करके मेल्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग। अगर कोई केमिकल सब्सटेंस अभी 149 पर सॉलिड था और 150 पर पहुंचते ही पूरा का पूरा मेल्ट कर गया, तो उसे कहा जाता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और वो क्रिस्टलाइन का प्रॉपर्टीज होता है। अगर कोई सब्सटेंस 149 है तो उसका थोड़ा सा पार्ट मेल्ट किया हुआ है, बाकी सॉलिड फॉर्म में है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है और 150 हुआ, इसका अधिकांश मेल्ट कर गया है लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कोई सॉलिड फॉर्म में है। यानी वैसे सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं हो वो एमॉर्फस कहा जाएगा, और जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फिक्स हो उसे क्रिस्टलाइन कहा जाएगा। जैसे अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 249 डिग्री है, तो इसका मतलब वो 248 तक सॉलिड ही रहेगा, और जैसे ही टेम्परेचर 249 जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। इसी प्रॉपर्टीज को शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, ये क्रिस्टलाइन का प्रॉपर्टी होता है। जबकि एमॉर्फस में अगर कोई एमॉर्फस सॉलिड सब्सटेंस है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट 250 डिग्री सेल्सियस है, तो 249 तक वो सॉलिड रहेगा, लेकिन 249 पर भी उसका कुछ पार्ट जो है वो मेल्ट करने के पहले थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको आप हीट करोगे तो मेल्ट करने के पहले सॉफ्ट होने लगेगा। जैसे कभी आप देखोगे प्लास्टिक वगैरह को, तो प्लास्टिक को आप गर्म करते हैं तो वहाँ पर आप फील करोगे कि वो मेल्ट करने के पहले क्या होने लगा? सॉफ्ट होने लगा। एक्चुअली वो एमॉर्फस है। वही अगर क्रिस्टलाइन होता तो बिल्कुल हार्ड है तो हार्ड है,
और वो सडन जो है मेल्ट कर जाएगा, यानी कि जो मेल्ट करने के पहले सॉफ्ट नहीं हो, सडन सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर जाए, वो क्रिस्टलाइन है और उसे हम लोग शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जरा आप सोच करके बताओ तो ग्लास के बारे में आपको क्या लगता है, वो क्रिस्टलाइन है या एमोर्फस है, वो सडन मेल्ट कर जाता है या मेल्ट करने के पहले सॉफ्ट होता है। इसका मतलब कभी आप लैब से मतलब नहीं रखे हैं और खेले वगैरह भी नहीं हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे, देखते थे बचपन में कि मम्मी वगैरह का चूड़ी वगैरह टूट गया तो हम लोग कैंडल वगैरह जलाते थे और कैंडल वगैरह जलाने के बाद में उसके पास में चूड़ी ले जाते थे, ठीक है। तो चूड़ी ले जाते थे तो वो जो जहाँ पे गर्म हो रहा है अब वो सॉफ्ट हो जाएगा, अब उसको आप शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पहले ये सर्किल के फॉर्म में था जैसे ही हीट किए तो ये सॉफ्ट हुआ तो अब ये दबना शुरू हो जाएगा। ग्लास रॉड आता है और 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में बच्चों को ग्लास रॉड को बेंट करने के लिए बताया जाता है, ग्लास ट्यूब को। तो बेंट करने के लिए कहा जाता है कि आप ग्लास ट्यूब को हीट कीजिए और हीट करने के बाद में जैसे ही लगे कि अब ये सॉफ्ट हो रहा है तो इसको यहाँ से ऐसे प्रेस कीजिए तो 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 120 डिग्री पर बेंट कर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास सडन मेल्ट नहीं करता है। ग्लास को जब आप हीट करते हैं तो जैसे प्लास्टिक मेल्ट करने के पहले सॉफ्ट हो जाता है, उसी तरह से ग्लास भी मेल्ट करने के पहले सॉफ्ट हो जाता है और ये इसके एमॉर्फस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ग्लास क्रिस्टलाइन नहीं है, ग्लास एमॉर्फस है। अभी प्लास्टिक के बारे में बात किए, प्लास्टिक किसका नेचर का है, क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस, क्योंकि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टलाइन को, अगर आप कट करेंगे तो इसका एज ये बिल्कुल स्मूथ होगा, शार्प एज देता है, चिकना, एक पूरा पार्ट कट करके आता है। जबकि एमॉर्फस को अगर आप कट करेंगे तो इनके कट करने के बाद में जो सरफेस होगा, एज होगा, वो रफ आता है, वो रफ सरफेस से जाएगा। अगर आप क्रिस्टल को इस तरीके से फिंगर के ऊपर में टच करेंगे तो ये क्रिस्टल टाइप का लगेगा यहाँ पर, और एमॉर्फस जो बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में रहेगा वहाँ पर। ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लिखिए, लिखवाते हैं बाद में डायग्राम आप ड्रॉ करना। तो यहाँ से लिखो आप टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन अकाउंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट क्रिस्टलाइन सॉलिड तक, यहाँ तक लिखो, लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखो, इट इज द टाइप ऑफ सॉलिड, इट इज द टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ सॉलिड विच कंस्टिट्यूएंट, विच कंस्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड, विच कंस्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन डिफिनिट पैटर्न, आर अरेंज्ड इन डिफिनिट पैटर्न और ज्योमेट्री, आर अरेंज्ड इन डिफिनिट पैटर्न और ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री डिफिनिट पैटर्न और ज्योमेट्री। इसके एग्जाम्पल में लिखो ZnCl2, NaCl, etc. अब लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए पॉइंट वाइज, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब इनका अरेंजमेंट जो है वो पूरी एक पैटर्न को फॉलो करता जाएगा, ऐसा नहीं कि अभी ही अरेंज हुआ है फिर अगली बार में बदल जाए, ये पूरे सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे आप देखते होंगे कि आप असेंबली में स्कूल में खड़े होते हैं, प्रिंसिपल सर भाषण देते हैं उसको सुनने के लिए, गांधी मैदान में भी लोग खड़े होते हैं, मंत्री जी भाषण देते हैं उनको सुनने के लिए, दोनों जगह पर ऑडियंस हैं, और स्कूल में ऑडियंस के रूप में स्टूडेंट होता है और बाकी नेताजी का भाषण सुनने के लिए बाकी का वहाँ का आपका जो है वो दर्शक में कह सकते हो कि आपकी आबादी जो है वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं सिटीजन है वो सुनने के लिए होते हैं।
लेकिन बताओ तो दोनों जगह पर ऑडियंस का अरेंजमेंट एक ही जैसा होता है या अलग अलग होता है? ठीक है, अलग अलग में बताओ तो दोनों में से एक जगह पर क्रिस्टलाइन होगा, एक जगह एमॉर्फस, तो गांधी मैदान में कौन सा होगा? और स्कूल में, क्योंकि स्कूल में जब आपका खड़ा होते हैं असेंबली में तो वहाँ पर एक पैटर्न में आपको खड़ा कराया जाता है, वहाँ पर आपका अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है और वहाँ पर जिगजैग फॉर्म में होता है। मे भी थोड़ा सा आगे पुलिस खड़ा है तो चार पांच लाइन जो है वो चार पांच लोग जो है वो सीधा सीधा खड़े हैं, लेकिन उसके बाद में फिर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एमॉर्फस शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि उसका अरेंजमेंट थोड़ी देर के लिए लगा कि ये भी अरेंज्ड है, लेकिन फिर वो गड़बड़ा जाएगा। जैसे अभी यहाँ डायग्राम बनाए थे तो लगा था कि अच्छा ऊपर में 1-2-1 है, लेकिन दूसरे लाइन में जाने के बाद में वो सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज कर गया, तो उसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहा जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, ऑन कटिंग, ऑन कटिंग इट गिव, ऑन कटिंग इट गिव अ स्मूथ सर्फेसेस, ऑन कटिंग इट गिव अ स्मूथ सर्फेसेस, स्मूथ सर्फेसेस। थर्ड पॉइंट, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज शार्प SHARP, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, It is anisotropic, A-N-I-S-O, it is anisotropic in nature, anisotropic in nature, A-N-I-S-O-T-R-O-P-I-C, anisotropic in nature। इसको anisotropic को अंडरलाइन करो, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर मिस्टेक करता है स्टूडेंट। इट इज anisotropic इन नेचर। कितना पॉइंट हो गया? चार। जनरली दो नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, तो कोई भी दो तीन आप लिख सकते हो, यहाँ पर हम लोग चार लिख लिए। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हो गया, अब उसी तरीके से आप क्या लिखो, एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड देखिए इसमें, इट इज द टाइप ऑफ सॉलिड विच कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न, are not arranged in definite pattern। इसका एग्जाम्पल लिख लो, ग्लास, प्लास्टिक इत्सेक्षा, यानी सॉलिड तो है लेकिन ये amorphous नेचर का है। अब लिखिए characteristics of amorphous solid, characteristics of amorphous solid। देखो पॉइंट वाइज, फर्स्ट पॉइंट, it has short range order। सेकेंड पॉइंट, it does not have sharp melting point। it means it becomes soft before melting। मेल्ट करने के पहले सॉफ्ट होने का मतलब
उसका कुछ पार्ट ऑलरेडी मेल्ट कर गया है और कुछ अभी भी किस फॉर्म में, सॉलिड में, तभी वो सॉफ्ट हो गया है। जैसे अभी ये हार्ड है, लेकिन अगर इसको हम हीट कर रहे हैं तो मे बी जो फ्लेम के नज़दीक का है वो वाला मेल्ट कर गया, लेकिन अपर वाला पार्ट अभी भी मेल्ट नहीं किया है, इसलिए सॉफ्ट हुआ है। सॉफ्ट करने का मतलब मे बी इसका कुछ पार्ट सॉलिड में है और कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट कर गया, लिक्विड में। तो ये एमॉर्फस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव रफ सरफेसेस, इट गिव रफ सरफेसेस सरफेसेस ऑन कटिंग, रफ सरफेसेस ऑन कटिंग। लास्ट पॉइंट, इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अभी आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक में थोड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, क्या है इसको थोड़ा समझो। देखो यहां पर लिखे भी हैं, क्या ये क्या है जो देखना है यहां, करेक्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर दैट इज सम ऑफ द देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ऑन द क्रिस्टल, वाइल एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड दे शो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। यानी क्रिस्टलाइन जहां पर एक डिफिनिट पैटर्न है, अरेंज्ड है, वो अनआइसोट्रॉपिक नेचर का है, ये अनआइसोट्रॉपिक होता है। और वहीं एमॉर्फस जिसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये किस नेचर का होता है, आइसोट्रॉपिक। और स्टूडेंट अगर ये आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक का मतलब नहीं समझता है तो उसको लगता है कि यहां पर क्रिस्टलाइन ही आइसोट्रॉपिक होगा और ये आपका अनआइसोट्रॉपिक नेचर का है। अब इसको समझते हैं ध्यान से, ये क्या कहना चाह रहा है, जो ये अभी हम लोग जो डायग्राम बनाए हैं यहां पर ध्यान से देखना। तो अगर मान लिया कि हम इसे कट करते हैं, इसे हम यहां से कट करते हैं इस जगह से, और यहां इसको हम कट करते हैं यहां से, कट करने के बाद में ये पार्ट आया और इसके कट करने के बाद में ये पार्ट आया, ठीक। दूसरा व्यक्ति ने क्या किया, इस जगह से कट किया इसमें, और इसने यहां से कट किया इधर से। तो देख रहे हो कि क्रिस्टलाइन में जब अलग अलग साइड से हम कट कर रहे हैं तो जो पार्ट हमारे पास में कट करके आ रहा है उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगा। यहां जो कट करके आया वहां पे सिर्फ कौन सा बॉल आ रहा है, व्हाइट। इधर जो कट करके आ रहा है वहां पे कौन सा प्रॉपर्टीज आ रहा है, ग्रीन का। ऊपर में कट करेंगे तो कौन सा प्रॉपर्टीज आएगा, व्हाइट का भी और ग्रीन का भी। यानी कि अलग अलग साइड से, अलग अलग एंगल से ये अलग अलग वैल्यू दे देंगे। तो आइसोट्रॉपिक तो तब कहा जाएगा जब सारे चारों तरफ से क्या वैल्यू दे, सेम वैल्यू दे। तो यहां पर कंस्टिट्यूएंट चूंकि एक पैटर्न में है तो सब जगह से कट करेंगे तो बराबर बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए इसे आइसोट्रॉपिक न कह करके हम लोग अनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। जबकि इसमें देखो मिक्सचर जैसा बना हुआ है, इसमें इधर से कट किए तो व्हाइट का भी प्रॉपर्टी आ रहा है और ग्रीन का भी आ रहा है, इधर से कट किए तो भी व्हाइट का भी आ रहा है और ग्रीन का भी आ रहा है, इधर से भी कट करेंगे तो व्हाइट और ग्रीन आएगा, इधर से भी कट करेंगे तो व्हाइट और ग्रीन आएगा। तो यानी कि इसका प्रॉपर्टी जो है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल जैसा है। तो आपको एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा, वहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं। वहां बताता है कि एक सॉलिड सब्सटेंस है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग एंगल से अलग अलग आ रहा है। एक सॉलिड सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिफरेंट एंगल से डिफरेंट आ रहा है, तो ये क्रिस्टलाइन होगा या एमॉर्फस होगा। क्रिस्टलाइन अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, अनआइसोट्रॉपिक। और अनआइसोट्रॉपिक किसका प्रॉपर्टीज होता है, क्रिस्टलाइन का। तो अब समझ में आया क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस में क्या डिफरेंस है। जो यहाँ पर ये हम कट किए थे डायग्राम बनाते वक्त में, इसको नहीं रखना है यहाँ हम लोगों को, यहाँ पर ये इस जगह पर। अभी क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस यहाँ से आप ये नोट कर लो,
ये वाला पार्ट जो नोट में लिखे हैं वैसे ही आप नोट में लिख लीजिए, यहां से लिखा हुआ। अब अभी तक जो हम लोग पढ़े क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, अब देखो वही पॉइंट यहां पर डिफरेंस में आ गया। दो नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है, हमको लग रहा है कि आप तो यहीं पर आपको याद हो गया होगा, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या है एमोर्फस। ये करोगे आप लोग खुद से, एक दो बताओ तो। क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट और एमोर्फस में हैज नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, एमोर्फस आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एमोर्फस हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन गिव अ स्मूथ सर्फेसेज, एमोर्फस गिव रफ सर्फेसेज। नहीं हो गया डिफरेंस? जो पॉइंट्स लिखवाएं उसी को क्या कर लोगे आप डिफरेंस में भी, तो याद नहीं रहेगा आपको। तो इसलिए यह टॉपिक आप लिख लीजिए डिफरेंस और थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, एक तरफ क्रिस्टलाइन लिख लीजिए दूसरी तरफ एमोर्फस, तो वहां पर आप डिफरेंस लिख सकते हैं। या लिख लो ना, दो मिनट लगेगा, पहले लिख ही लो, दो ही तीन पॉइंट लिखना जो आपको अच्छे से याद हो सके। जब ये चैप्टर स्टार्ट किए हम लोग तो मैटर से स्टार्ट किए और बताया कि मैटर का टाइप हो गया एक सॉलिड और दूसरा फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में सिर्फ इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद छोड़ दिए। फिर आगे हम लोग सॉलिड पर, फिर सॉलिड को बताया कि ये दो टाइप में आ गया, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमोर्फस। एमोर्फस में बस यहीं तक, इतना ही जानना था, ठीक है। अब ये पूरे चैप्टर में जब तक चलता रहेगा तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज्ड हो, जहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो, जहाँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो और जो अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर हो, उसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, जहाँ एक सिस्टमेटिक पैटर्न में कंस्टिट्यूएंट अरेंज होते हैं। एमोर्फस के बारे में अब यहाँ पर कहीं कोई जिक्र नहीं होगा, ठीक है, यहाँ इस जगह पर। अब यहाँ कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सारा पार्ट हम लिखवा देंगे, यहाँ पहले समझ लो। इसमें से पहला है मॉलिकुलर सॉलिड, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे सॉलिड स्टेट में आप वाटर, वाटर रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होता है लिक्विड, लेकिन वाटर सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, कब? आइस, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आइस H2O मॉलिक्यूलर सॉलिड के फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर रहा है, वहां काम कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसे सॉलिड को कहते हैं जहां पे कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होते हो और इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, वांडरवाल फोर्सेस कलेक्टिवली कहते हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, और कुछ एक केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिर है आयोनिक सॉलिड, यहां मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, जरा गेस कर, तो आयोनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? आयंस, जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक, आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। इसके कंस्टिट्यूएंट आयन है Na+ और Cl-, और पढ़े होंगे आप केमिकल बॉन्डिंग में कि आयोनिक सॉलिड यानी आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स हो गए आयंस, और इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटल का एग्जिस्टेंस दो पार्ट में होता है, पॉजिटिव कर्नल्स इन सी ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन। अब कई बार स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता कि ये पॉजिटिव कर्नल्स क्या हो गया। जैसे ये देखो आयरन है, आयरन के चारों तरफ में इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस सेल कहा जाता है, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल दो। जैसे सोडियम को लिए तो 281, तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है 281, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर निकाल दोगे तो अब जो सोडियम बचा हुआ रह गया इसके ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में अब जो बचा हुआ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट रह गया उसी को हम लोग पॉजिटिव कर्नल्स कहते हैं, यानी इन्हें पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए पॉजिटिव कर्नल्स। तो कहा जाता है कि अगर आप सिल्वर मेटल ले रहे हैं, आयरन मेटल ले रहे हैं, तो आयरन मेटल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है
मेटल इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इसके पास में फ्री और मूवेबल इलेक्ट्रॉन है। ये पूरा का पूरा सॉलिड सब्सटेंस में ये पॉजिटिव कर्नल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ कंस्टिट्यूएंट्स कहा जाता है पॉजिटिव कर्नल्स इन सी ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक वो मूव करता है। तो दो पार्ट हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और जो दूसरा बचा हुआ रह गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कर्नल्स। तो इसमें इसके कंस्टिट्यूएंट्स में आ गया पॉजिटिव कर्नल्स, कर्नल्स इन सी ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन, सब लिखवा देंगे हम इन सी ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, यानी कि इस जगह पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यानी इनके कंस्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे एटम्स। एटम्स के बीच में, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बहुत सारे कंपाउंड हैं जैसे सिलिका SiO2, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हार्डेस्ट नोन मटेरियल होता है। तो पहला पार्ट तो हमें यह याद रखना है इनके कौन कौन से पार्ट हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा लग रहा है, सब अभी याद हो जाएगा। देखो मॉलिकुलर सॉलिड, इसका कंस्टिट्यूएंट कौन है, मॉलिक्यूल। आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट आयंस, कोवेलेंट सॉलिड का एटम्स और मेटेलिक सॉलिड का पॉजिटिव कर्नल्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड, आयोनिक सॉलिड में आयोनिक बॉन्ड। तो सिर्फ एक याद रखने वाला पार्ट हो गया मॉलिकुलर सॉलिड, जहां वैन डर वाल फोर्सेज एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड ये यूनिसुलेटर की तरह काम करता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक सॉलिड ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है, लेकिन जब इसे एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन फॉर्म में डालते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे नमक के बारे में आप सुने होंगे कि नमक अगर सॉलिड फॉर्म में है तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब इसे आप वाटर में डालेंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि वाटर में जाने पर ही इसके आयन अलग होते हैं। सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे के साथ में क्लोजली पैक्ड होता है, यानी इसके आयन मूव नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये आयोनिक सॉलिड ही आपका गुड कंडक्टर होगा, लेकिन किस कंडीशन में, जब ये एक्वस फॉर्म में है। मेटेलिक सॉलिड किसी भी फिजिकल स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और ये भी इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये दो तीन पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो हेडिंग डालो और सब लिखवा देते हैं जो आपको याद रखने वाला पार्ट। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखवाएं। इसमें फर्स्ट क्या है, मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड देखो इसमें, इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड which constituents are molecules, which constituents are molecules and have weak intermolecular forces and have weak intermolecular forces intermolecular forces like van der Waal forces, like van der Waal forces, van der Waal forces or hydrogen bond van der Waal forces or hydrogen bond।
इसका एग्जाम्पल लिख लो, आइस। एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल आप बुक देख करके लिख लोगे अपने से, तो इसी बहाने एक बार बुक भी रीडिंग डाल लोगे, आइस। सेकंड लिखो आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। देखो इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कंस्टिट्यूएंट्स, विच कंस्टिट्यूएंट्स आर आयंस, विच कंस्टिट्यूएंट्स आर आयंस एंड हैव इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, एंड हैव इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, इसी में कंटिन्यू, इन सॉलिड स्टेट इट बिहेव लाइक इंसुलेटर, इट बिहेव लाइक इंसुलेटर, लाइक इंसुलेटर बट इन मोल्टेन फॉर्म, बट इन मोल्टेन फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ, और इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड लिखो मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स। देखो इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स आर पॉजिटिव कर्नल्स, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर पॉजिटिव कर्नल्स, के आर एन एल एस, पॉजिटिव कर्नल्स इन सी ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव कर्नल्स इन सी ऑफ एस ई ए समुद्र, इन सी ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन, मूवेबल इलेक्ट्रॉन। एंड द इंटरमॉलिकुलर फोर्स, एंड द इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज मेटेलिक बॉन्ड, इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल लिख लो, आयरन, सिल्वर एटसेट्रा। आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल लिखे थे, NaCl, ZnCl, वो लिख लो, ये सब आयोनिक सॉलिड है। NaCl, ZnCl2, ZnCl2 होगा एटसेट्रा। नेक्स्ट कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड।
देखो इसमें इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर एटम्स, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर एटम्स, आर एटम्स एंड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कोवेलेंट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड इट इज इंसुलेटर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. इसका एग्जाम्पल लिख लो SiO2 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिलिका डायमंड. इसके कंस्टिट्यूएंट भी सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे इट्स एक्स्ट्रा कार्बन इट्स एक्स्ट्रा लिख लिए. चलो अब आज क्या पढ़े हम लोग जो अभी याद करा देते हैं. हम लोग स्टार्ट किए सॉलिड से. तो सॉलिड्स के बारे में बताया कि सॉलिड जिनका डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम हो इनके कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इनके कंस्टिट्यूएंट्स सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं ये मूव नहीं करते हैं और ये नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर होता है. सॉलिड का दो टाइप हो गया, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस. अगर कंस्टिट्यूएंट एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज हो तो क्रिस्टलाइन और अगर उनमें डिफिनिट पैटर्न नहीं है तब उन्हें एमॉर्फस. क्रिस्टलाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग लिखे इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इट गिव अ स्मूथ सर्फेसेस, इट इज अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर. और इसी का उल्टा कौन सा हो गया एमॉर्फस. क्रिस्टलाइन शार्प मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि सडन मेल्ट कर जाता है, जबकि एमॉर्फस को जब हीट करेंगे तो मेल्ट करने के पहले वो सॉफ्ट हो जाता है. फिर उसके बाद एमॉर्फस बोले कि अब खत्म, अब हम लोग को क्रिस्टलाइन में. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का चार टाइप हो गया, मॉलिकुलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड. में मॉलिकुलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल, ऐसे करके एक एक करके. आयोनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट आयंस, मेटेलिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पॉजिटिव कर्नल्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट एटम्स बॉन्ड. मॉलिकुलर सॉलिड में वांडरवाल फोर्स, आयोनिक सॉलिड में आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड. एकदम एक साथ में याद करोगे तो कई पार्ट आसान भी हो जाएगा. मॉलिकुलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, आयोनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड कंडक्टर हैं, लेकिन आयोनिक सॉलिड तभी कंडक्ट करेगा जब वो मोल्टन फॉर्म में है. एनसीईआरटी बुक में देखना एक क्वेश्चन मिलेगा आपको और वो कह रहा है कि ए सॉलिड सब्सटेंस इज वेरी हार्ड, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर बट इन मोल्टन फॉर्म इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द टाइप ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड. कौन सा होगा? आयोनिक सॉलिड. ये आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में, लेकिन इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है नॉर्मल कंडीशन. तो बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तब देखो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना होगा. क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, इसी में सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, ये सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग. और अगले क्लास में ये थ्योरिटिकल वाला पोर्शन कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए. आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.